أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم حاضرين علماء کرام बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों परदानशीं ख़वातीन इस्लाम आज का ये प्रोग्राम अज़ीम उशान प्रोग्राम हज उमरे के अहकाम मसाइल के सिलसिले में उसकी एक आखिरी अहम कड़ी प्रेजेंटेशन जो वक्त बचा है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसमें ख़त्म करूँ इंशाल्लाह। अक्सर बातें माशाल्लाह सवाल जवाब की जो नशिश हुई बहुत बेहतरीन थी, मेरा काम आसान कर दिया दोनों असातिज़ा इकराम ने, अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और दोनों शेखैन का भी शुक्रगुजार हूँ, मेरा काम आसान कर दिया उन्होंने। फिर भी जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो किया जा रहा है उसके सिलसिले में देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास हेडिंग है कबूलियत हज उमरे के शराइत। हज उमरा कब कबूल होगा? कोई भी इबादत कोई भी अमल, ख़ास तौर से ये अज़ीम उशान अमल है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ बताई गई इखलास वलिल्लाहियत, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें बस। क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा सूरह बकरा 196 आयत नंबर में, वातिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, अल्लाह ने कहा हज उमरे को मुकम्मल करो किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वही माबूद है उसी के लिए करना। इबादत में कोई अल्लाह का शरीक नहीं, इबादत में अल्लाह का कोई शरीक नहीं, उसकी ज़ात में उसका कोई शरीक नहीं, उसकी रुबूबियत में वो रब है, खालिक है, मालिक है, पैदा करने वाला है, ये तमाम जो अल्लाह के काम है उसमें उसका कोई पार्टनर नहीं, कोई पार्टनर नहीं, और अल्लाह के अस्मा व सिफात में भी कोई नहीं। अल्लाह के जो हुकूक हैं वो अल्लाह ही के लिए हैं बस, कोई और उसका शरीक नहीं है, ना खुद हम उसमें जाएं, ना किसी और वली पीर बाबा फरिश्ता नबी रसूल कोई मुस्तैक नहीं, अल्लाह अकेला है। अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है बस, अल्लाह ने कह दिया। इसीलिए अल्लाह ने कहा शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, कोई शिर्क पे मरा अल्लाह को पसंद नहीं, माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला, अल्लाह हमें शिर्क से बचाए। दूसरी शर्त जो है सुन्नत के मुताबिक हम हज करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वाज़ह है, ख़ास तौर से जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो हदीस मरवी है, उसकी उलामा ने एक जगह उस हदीस, तवील हदीस है लंबी हदीस है, हदीस की किताबों में उसकी शराह भी उलामा ने की है, मुकम्मल शुरू से ज़ुल्हुलैफा से अल्लाह के नबी ने अहराम बांधा, मक्का गए और मीना पूरे अरकान अदा की, वापस लौटे, एक एक बात उन्होंने नोट की, महफूज किया, उम्मत तक पहुँचा दी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमैन। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, सही मुस्लिम की वाज़ह कई मरतबा हमने सुना, कोई भी ऐसा अमल करता है जिसका हुक्म अल्लाह के नबी सास ने नहीं दिया, अल्लाह ने नहीं दिया, वो रिजेक्ट है, मरदूद, कबूल नहीं होगा। वही काम करना है दीन में जिसका हुक्म अल्लाह ने प्यारे नबी सास ने दिया। तीसरी चीज़ हलाल रोज़ी से हो, जैसे मैंने इससे पहले भी खिताब में कहा था, सही मुस्लिम की रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, इन अल्लाह तय्यिबुन वला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद करता है, हलाल, ये इबादत अल्लाह के लिए है, अल्लाह चाहते हैं पाक व साफ, ऐसे माल से करें जो बिल्कुल हराम से पाक हो, हराम से पाक हो, अल्लाह हमें हलाल कमाने खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा उमरे की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उमरे का मुकम्मल तरीक़ा आपने तफसील से सुना, आपने तारीफ़ क्या है, अल्लाह की मखसूस इबादत की खातिर बैतुल्लाह का सफ़र करना,
ख़ास अंदाज में जो तरीक़ा प्यारे नबी से साबित हैं उस तरीक़े के मुताबिक बैतुल्ला काबतुल्ला जाकर अल्लाह की इबादत करना जो उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा है उसको अदा करने का नाम उम्रा है। हज की किस्में, हज की जो है तीन किस्में अहादीस से साबित, उसके अलग अलग मसाइल हैं, अहकाम हैं। पहली किस्म हज इफराद, जिसमें सिर्फ हज अदा होता है, उसमें उम्रा नहीं होता, डायरेक्ट हज। आगे जिक्र आएगा हज के जो अय्याम हैं, डायरेक्ट हज करते हैं मुकम्मल, उम्रा नहीं हो उसमें। दूसरा हज किरान, यही वो हज था जो अल्लाह के नबी सास ने किया, अल्लाह के नबी ने ये हज किया। दूसरा किरान, किरान में क्या होता है, जिसमें हज और उम्रा एक साथ अदा हो। पहले उम्रा करते हैं मुकम्मल, फिर उसी कपड़ों में रहना है, कपड़े नहीं उतारना एहराम के, सिर्फ चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल उतार के जैसे तमत्तो में करते हैं, मैं इसकी वजाहत करूंगा ये वाज़े हो जाएगा। हज तमत्तो जैसे शेख मोहतरम ने भी शुरू में वाज़े किया था, उसको अक्सर यही करते हैं आज, क्योंकि इस किरान में जानवर साथ में ले जाना है, जानवर जो हदी का जानवर है साथ में ले जाना है, इसमें मुमकिन नहीं है। तो ये हज जिसमें उम्रा करने के बाद हज अदा होता है, पहले उम्रा कर लें, जैसे आप जाएंगे उम्रा करेंगे मुकम्मल हो जाएगा, आपने एहराम के कपड़े उतार के नॉर्मल जो कपड़े आप पहनते हैं वही पहनेंगे, आम जिंदगी गुजारेंगे। कब तक? 8 ज़िलहिज्जा तक। फिर यौम तरविया जिसको कहते हैं, वहाँ से हज के अय्याम शुरू, दोबारा एहराम बांधना। किरान में ऐसा नहीं, किरान में ये ऑप्शन नहीं है, एहराम खोलने का मुकम्मल ऑप्शन नहीं है। उम्रा करेंगे उसी लिबास में रहना है, थोड़ा लिबास चेंज कर सकते हैं, ये एहराम गंदा हो गया दूसरी चादरें आप पहन लें, लेकिन उससे हलाल नहीं हो सकते आप। हलाल होने का मतलब आप उससे मुकम्मल उसको करने के बाद आपको हज तमत्तु में इजाज़त है, जो चीज़ें मना थी आगे जिक्र आएगा तफसील से, जब एहराम बांध लिए नियत कर लिए कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, मना है, तफसील से जिक्र आएगा। तो मैं समझता हूँ ये वाज़े हैं। अब जो करते हैं आप लोग जिसके लिए जा रहे हैं, ये हज तमत्तु हैं, पहले उम्रा कर लें मुकम्मल, फिर हलाल हो जाएँ कपड़े आम लिबास पहन लें, फिर 8 ज़िलहिज्जा को दोबारा एहराम पहनना। हम कौन सा हज करेंगे? जैसे मैंने कहा हज तमत्तु, आज पूरी दुनिया से तकरीबन लोग यही करते हैं। हज तमत्तु की फजीलत, बहुत सारी फजीलतें हैं हज की, यहाँ पे बतौर मिसाल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया, मुस्तन अहमद अल्लाह के नबी ने हज का हुक्म दिया, वो मशहूर रिवायत है। अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम पर हज वाजिब किया है, हज करो। उठ के खड़े हो गए, क्या हर साल वाजिब है? अल्लाह के नबी खामोश रहे, फिर कहा अगर मैं उसी वक्त कह देता कि वाजिब है तो वाजिब हो जाता, लेकिन ज़िंदगी में एक मरतबा ये वाजिब है। दूसरी फजीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा करने की तमन्ना भी की, हज तमत्तु, गरचे के अल्लाह के नबी ने कौन सा हज किया? हज किरान की, आप जानवर साथ में ले गए थे और आपने ख्वाहिश भी की, लो इस्तकबल तुम इन अमरी मस्तदबर तो, कहा अगर मुझे वो बात बाद में मालूम होती जो अब मालूम हुई, पहले मालूम होती जो बाद में मालूम हुई, मैं भी तमत्तु करता, लेकिन जानवर साथ ले गए थे, प्यारे नबी सास ने किरान किया, आपने ख्वाहिश भी की थी। हज की तमाम किस्मों में ये सबसे आसान तरीन हज है, सबसे आसान तरीक़ा है। किरान में मुश्किल होता है, उसी कपड़ों में रहना, आम लिबास नहीं पहन सकते आप बीच में उम्रा अदा करने के बाद। नंबर 4, एक ही सफ़र में हज उम्रा अदा हो जाता है, एक ही सफ़र में उम्रा भी होता है फिर हज भी होता है। इफ़रात में क्या होता है? सिर्फ हज, उम्रा नहीं उसमें। तो माशाल्लाह ये जो है हज तमत्तु की फजीलत के ताल्लुक से। तो जब उम्रे का तरीक़ा जैसे तफसील से आपने सुना, सब जहन में बिठाने के लिए आसानी के लिए सबसे पहला काम एहराम बांधना है, मीकात से नियत करना है। अपनी सहूलत से जैसे शेख ने बताया, जब आप घर से निकलें या एयरपोर्ट में सहूलत है या हज कैंप में, कहीं भी आप पहन सकते हैं एहराम, कहीं भी पहन सकते हैं। नियत कहाँ करना है? मीकात जब पहुँचेंगे, यलमलम जो हमारी मीकात है वहाँ पर। दूसरा काम जो वहाँ पहुँच के करना है, तवाफ, तफसील से आपने सुना 7 चक्कर लगाने हैं, उसका मुकम्मल तरीक़ा आपने सुना। 2 रकात नमाज, तवाफ से फारिग होने के बाद 2 रकात नमाज अदा करना है। मकाम इब्राहिम के पास अगर जगह मिलती है पढ़ें, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद काफिरून, दूसरी रकात में इखलास। अगर जगह नहीं मिलती, बाज़ लोग वहाँ
जगह तंग कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि वहीं पढ़ें, ज़रूरी नहीं कहीं भी पढ़ सकते हैं आप। हज के मौके पर बहुत मुश्किल है, मिलती है जगह अच्छी बात, नहीं मिलती भीड़ नहीं लगाना, धक्का नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना। तीसरा काम, चौथा काम, जमजम नोश फरमाना, पीना। अल्लाह के नबी सासन से साबित है, जैसा शेख ने भी इशारा किया, प्यारे नबी सासन तवाफ के बाद दो रकात नमाज जैसे ही फारिग हुई, प्यारे नबी जमजम के कुएं के पास अल्लाह के नबी सासन गए, आपने पिया भी, सर पे भी डाला और खूब पेट भर के पिया। अल्लाह के नबी सासन बेहतरीन पानी, आगे उसकी फजीलत के तालुक से कुछ बातें आएंगी। सही करना है सफ़ा मरवा के दरमियान, आगे उसकी निशानदेही तफसील से होगी। चौथा जो आखिरी काम है यहाँ पे, छठा जो तरतीब है उस हिसाब से, बाल या तो कम कराना है या मुंडवाना है, उसकी तफसील शेख ने वाजे की। अगर अभी अभी आप जा रहे हैं, काफ़ी लंबा वक्त होता है, तो आप जो है मुंडवा लें, पूरे सहलक कर लें, मुकम्मल बाल साफ कर लें, 20 दिन 25 दिन के बाद बाल आ जाएंगे, फिर भी आप मुंडवा सकते हैं, यही अफजल है। ये दोनों में जो है कम कराने या ज़्यादा, पूरे मुकम्मल साफ़ कराने में फ़दीलत। 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी उन लोगों के हक़ में, अल्लाह इनकी मगफ़िरत फरमा जो लोग मुकम्मल साफ़ करते हैं। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। फिर जब सहाबा कह रहे थे अल्लाह हमारे लिए भी, अल्लाह के नबी जो कम कराते हैं उनके लिए, हर बार सहाबा कहते रहे, आखिर 4वीं मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा उलिल मुखस्सिरीन, है अल्लाह जो कम कराते हैं उनकी भी मगफिरत फरमा। 3 मरतबा मगफिरत की दुआ उनके लिए है जो मुकम्मल साफ करते हैं, उसकी तरतीब बताई गई। अगर ज़्यादा दिन है ऐसा करें, कम दिन है तो आप कम कराएं, फिर हज के मौके पर 10 ज़िलहिज्जा को यौम नहर का दिन, उस दिन जो है मुकम्मल साफ करवा लें। एहराम बांधने का तरीक़ा माशाल्लाह, इसकी प्रैक्टिस आप भी कर रहे होंगे, देखा भी है आपने। इंशाल्लाह जब आप एहराम बांधेंगे तब भी जो है आपको वहाँ हज कमेटी में भी फला बताए, यहाँ भी देखिए आप देख सकते हैं, 2 चादरें हैं, एक नीचे से आप तहबंद बना लें उसको इजार की तरह, एक दूसरा जो है ऊपर से डालना है। जैसे शेख ने कहा था इस्तेबा, इस्तेबा का तरीक़ा राइट, ये जो खांदा है आपका इसके नीचे से लेकर ऊपर डाल लें, ये खुला रहे, ये इस्तेबा की कैफियत है। जब मुकम्मल आप करेंगे तो ये शक्ल बनती है, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है इंशाल्लाह। ख़वातीन का अहराम जैसे शेख ने भी तफसील से बताया, ख़वातीन आम लिबास, उनके लिए कोई ख़ास लिबास नहीं है, ख़वातीन के लिए कोई ख़ास लिबास नहीं है, आम लिबास में रहेंगी। जो चीज़ें मना हैं, वला तंतखिवल मरअतुल मुहरिमा वला तलबसिल कुफ़ाज़ैन, नोज़ पीस जो कहा गया, ये चेहरा खुला रहेगा और दोनों हाथ खुले रहेंगे, सही बुखारी में। लेकिन ये कब है ये हुक्म जी? जब हाँ उनके सामने कोई अजनबी ना हो, औरतें ऐसी जगह में हैं जहां अजनबी सामने ना हो। अब तवाफ का मसला सही, अजनबी हजारों में रहते हैं तो क्या करेगी? नोज़ पीस नहीं पहनेगी, ग्लव्स नहीं डालेगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो हदीस आई है सुनन नसाई वगैरह में, वो कहती हैं जब गैर महरम हमारे सामने आ जाते जिनसे पर्दा करना ज़रूरी है, तो कहती हैं हमारी ओढ़नी या कोई कपड़ा उनके साथ होता उससे वो चेहरा छुपा लेती। तो इस तरह कर सकती हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें या ओढ़नी वगैरह है उससे चेहरा छुपा लें, अलग से नोज़ पीस नहीं डालेगी। और ये कब हालत में, ये कब है? अब उमरा करते हैं, कितनी ख़वातीन आप देखें वीडियो में भी देखें, इसकी पाबंदी नहीं करती हैं, हालांकि बाजू ही जो है गैर महरम आते हैं, उनसे बचना भी है। जैसे मैंने कहा मेरे खिताब में, हजरत अस्वद को बोसा देने की कोशिश करती हैं, जबकि इतनी भीड़, कितनी परेशानी होती है लोगों, हमने अपने आँखों से देखा, बूढ़े बूढ़े लोग भी जाते हैं, जाना भी मुश्किल आना तो और मुश्किल, बोसा दे के वापस होना, 10 लोग आपको पकड़ेंगे फिर धक्का देंगे, उछाल के फेंकेंगे आपको। अगर अफ्रीकी लोग आए, हफ्सी लोग आए तो बहुत मुश्किल। तो ख़वातीन भी आके, ज़रूरी नहीं हजर अस्वद को बोसा देना फजीलत का काम, लेकिन मौका है तब, मौका नहीं है धक्का देना दूसरों को तकलीफ, हराम है, गुनाह। फजीलत नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी अगर दूसरों को तकलीफ़ दे के ये फजीलत कोई हासिल करना चाहे। अल्लाह हिफाजत फरमाया।
ठीक है, अभी अजान का वक्त हो गया है, अजान होगी जैसा ऐलान किया गया था, फिर इंशाल्लाह 9 बजे तक जो है हमारा ये प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह। माज़रतन पहले मुकम्मल कर लेंगे वक्त बचा तो इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा काफ़ी वक्त चला गया है। शेख रहेंगे इंशाल्लाह, शेख अमीन का भी नंबर आपके पास है, मेरा भी नंबर देता हूँ, अगर कुछ अहम सवाल कुछ बातें आगे आएंगी इंशाल्लाह, फिर भी अगर आपका डाउट लिख के रखें वक्त मिला तो मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। उम्र की नीयत, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ऐ अल्लाह मैं उम्र के लिए हाजिर हूँ। उम्र की नीयत इस तरह की जाएगी मीकात पर पहुँचने के बाद, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। एहराम पहनकर निकले मीकात पर नियत, जहाँ मीकात है तो मीकात, हमारी जो मीकात होगी जिद्दा पहुँचने से पहले पहले यलमलम की पहाड़ियाँ आज सादिया के नाम से मशहूर हैं, अहले यमन, यमन वाले और हिंदुस्तान और इस तरह अतराफ में जो रहने वाले उनकी ये मीकात है हमारी यलमलम, जो सादिया के नाम से मशहूर हैं आज, बताया भी जाता है अगर सऊदी एयरलाइंस है तो उसमें भी ऐलान होता है कि मीकात आने वाली है आप नियत कर लें, तो मीकात पहुँच कर ही नियत करना है। आगे कुछ गलतियों की तरफ इशारा किया जाएगा, मीकात जाने के बाद भी नहीं और आने से पहले भी नहीं, जब आएंगे उसी वक्त वहीं पर नियत करना है। उम्रे की नियत अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। ये मदीने का मीकात है ज़ुल्हुलैफा, जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा था। उम्रे बदल की नियत, अगर हम किसी दूसरे की तरफ से नियत, जैसे शेख ने तफसील से बताया था उस सिलसिले में, किसी और की तरफ से नियाबतन हम हज के, या तो मर गए थे उनकी तरफ से या जिंदा हैं लेकिन जा नहीं सकते, ऐसे बीमार हैं जा नहीं सकते, इस्तेआत नहीं, ताकत नहीं, तो वहाँ क्या करेंगे, नियत दूसरे की तरफ से नियत, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन अन फुलानिन व अन फुलाना, अगर मर्द हैं मेल हैं तो अन फुलान या उसका नाम भी आप ले सकते हैं, फीमेल है वह अन फुलाना या उसका नाम आयशा फातिमा ले सकते हैं इंशा, ये नियत होगी। तरीक़ा सिर्फ आपका है अपनी तरफ से अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, किसी दूसरे की तरफ से है या तो नाम लें अन फुलान कहें या अन फुलाना, अल्लाह जानते हैं कि आपका मकसद क्या है, नाम भी ले सकते हैं ना भी लें कोई हर्ज नहीं। नोट यहाँ पे एक चीज़ नोट, हज बदल करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह अपना हज कर चुका हो। अबू दाऊद की रिवायत, दीगर हदीस की किताब मौजूद, जिसे शेख ने भी इशारा किया, एक शख्स ने जो है नियत की अल्लाहुम्मा लब्बैक अन शुबरुमा, अल्लाह के नबी ने सुना तो कहा ये शुबरुमा कौन है, आपका नाम तो कुछ और है, कहा मेरा भाई है या कहा कोई और है, मेरा करीबी रिश्तेदार, कहा क्या तुमने अपना हज अदा कर लिया, कहा कि नहीं, कहा अल्लाह के नबी ने कहा पहले अपना करो बाद में दूसरे की, ये शर्त है कंडीशन है, अगर हम दूसरे की तरफ से करना चाहते हैं तो अपना हज या अपना उमरा पहले अदा कर चुके हों, वही लोग कर सकते हैं। तलबिया जो है जब हम एहराम पहनेंगे नियत करेंगे मीकात पर, तलबिया शुरू कर दें, अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये मशहूर हैं बुखारी, लेकिन याद रखें ये तौहीद का कलिमा है, इसके माने भी आपको याद रहना चाहिए। जो भी हम दुआएं पढ़ते हैं अल्लाह से दुआएं करते हैं, मीनिंग के साथ करें तो उसका असर होगा, समझ में आना चाहिए, वरना आप हज़ारों बार भी पढ़ के आएँ ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, समझें हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमें समझ आता। मुख्तसर तलबिया ये भी साबित है इब्ने माजा में, लब्बैक इलाहल हक़ लब्बैक, इतना भी कोई कहता है तलबिया काफ़ी है, लेकिन इससे पहले जो बताया गया ये ज़्यादा अफजल बेहतर है। यहाँ पे नोट, ख़वातीन तलबिया बुलंद आवाज़ से ना पढ़ें, सिर्फ मर्दों के लिए है कि वो बुलंद आवाज़ से पढ़ें, ख़वातीन आहिस्ता से पढ़ें, ख़वातीन आहिस्ता से पढ़ें। हरम में दाखिल होते ही तलबिया पुकारना बंद कर दें, तलबिया कब तक पढ़ेंगे आप, जैसे हरम में दाखिल हो जाएँ तलबिया बंद कर दें, उसका वक्त ख़त्म। अब हरम में अगर नमाज का वक्त हो गया नमाज पढ़ें, या आप तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, या डायरेक्ट जाके तवाफ़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरम में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की जो दुआ है वही दुआ किसी भी मस्जिद में, मक्के में पढ़ जाएँ हरम, मस्जिद हराम मदीना मुनव्वरा हो, बैतुल मक़दिस हो, किसी भी मस्जिद में जाने की जो दुआ है मस्जिद में वही दुआ पढ़ें।
बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्म अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। यही दुआ वहीं भी, वहाँ कोई ख़ास दुआ नहीं अलग से जी। तवाफ़ की सुन्नतें क्या हैं, शेख ने तफसील से बताया, बावजू होना वज़ू के साथ, इस्तेबा की सूरत इख्तियार करना, ये जैसे बताया गया राइट खांदा खुला रहें, हजर अस्वद का इस्तेलाम करना, मौका है बोसा दीजिए डायरेक्ट या हाथ से या लकड़ी से भी, अल्लाह के नबी ने इस्तेलाम किया था, जो मुनासिब है। रुकन यमानी हजर अस्वद के दरमियान दुआ करना, कौन सी दुआ, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। मर्दों का रमल करना, रमल बताए थे शेख, शुरू के तीन चक्करों में थोड़ा तेज चलना, ज़्यादा दौड़ना भी नहीं, बिल्कुल आहिस्ता भी नहीं, ये सुन्नत है, ज़रूरी नहीं है। जैसे शेख ने कहा हमारे साथ माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, तो करने की ज़रूरी नहीं, सुन्नत है, करेंगे तो सुन्नत का सवाब, वरना गुंजाइश आजकल लग लग के हिलना भी मुश्किल हो जाता है, लोग हमें घुमाएंगे, ऐसी कैफियत रहती है हज में, रमल की का मौका ही नहीं रहता। आम दिनों में करना सुन्नत है। तवाफ़ के बाद नमाज पढ़ना दो रकात, पहले रकात में काफिरून फातिहा के बाद और दूसरे इखलास। तवाफ़ से पहले वज़ू कर लें, वज़ू करना शर्त है नमाज के लिए और तवाफ़ के लिए ज़रूरी। इस्तेबा का तरीक़ा जो बताया गया इससे पहले भी और मज़ीद वजाहत के साथ, हजर अस्वद का इस्तेलाम करें, उसको छूना, इस्तेलाम के माने छूना, या तो डायरेक्ट बोसा दें मौका मिलता, या हाथ से छुएं, या लकड़ी वगैरह से, या अगर वो भी मौका नहीं सिर्फ इशारा करें, सिर्फ इशारा करें, दूर हैं आप सिर्फ इशारा करें बस। तवाफ़ शुरू करने के लिए निशान कहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हजर अस्वद, हजर अस्वद। आज वहाँ ग्रीन लाइट भी लगा दी गई आसानी के लिए, बाज़ लोग उससे पहले भी करते हैं, बिल्कुल मुकाबिल में आए आप शुरू करें वहाँ से। तरीक़े तवाफ़ मकामात हरम, कुछ चीज़ें यहाँ वजाहत कर रहे हैं, ये देखिए ये हतीम है, ये अल्लाह के नबी के ज़माने में जब उन्होंने कुरैश मक्का ने एक मरतबा पूरा गिर गया थी इमारत उन्होंने बनाया था, शर्त रखी थी कि काफिर मुशरिक, क्या शर्त रखी थी, सिर्फ हलाल माल से बनाएं। इतना पूरा हिस्सा बना लिया था उन्होंने, ये हिस्सा बाकी रह गया, माल ख़त्म हो गया, तो इसको छोड़ दिया गया था। आज भी वो कैफियत है, बाद में कुछ लोगों ने बनाया था फिर उसको निकाल दिया गया, आज ये हतीम का हिस्सा, ये भी काबे का हिस्सा है, ये भी काबे का हिस्सा है। अगर कोई यहाँ दो रकात नमाज पढ़ते हैं, गोया यहाँ पढ़ने का सवाब तो नहीं है कोई ख़ास, पढ़ सकते हैं, अल्लाह के नबी ने पढ़ा है अंदर जाकर। ये है देखिए हजर अस्वद यहाँ है जहाँ से तवाफ़ शुरू करना है, और ये रुकन यमानी जो शेख बता रहे थे इस साइड हैं, यहाँ और इसके दरमियान आपको रब्बना आतिना फ़िद दुनिया पढ़ना है। पहला चक्कर, ये सात चक्कर जो हैं, कहाँ से तवाफ़ शुरू करना, हजर अस्वद से शुरू करना है, पहला पूरा मुकम्मल यहाँ मुकम्मल होगा, फिर दूसरा शुरू होगा, तीसरा चौथा, पूरे सात चक्कर आपको लगाना। सात चक्करों के बाद मकाम इब्राहिम, यहाँ जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर उस पत्थर पर जो है आपने काबतुल्लाह को बनाया था, इसके पीछे अगर जगह मिलती जैसे मैंने कहा पढ़े नमाज, वरना कहीं भी मस्जिद में आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बैक जाएं। तवाफ़ के हर चक्कर में हजर अस्वद का इस्तेलाम यानी हजर अस्वद की तरफ इशारा करते हैं, अल्लाह अकबर कहें, मौका मिलता है बोसा देने का करें, वरना इशारा या जो कैफियत मैंने बताई, आब जमज़म और सफाई और सफ़ा की तरफ, अल्लाह के नबी जैसे ही सात चक्कर और दो रकात से फारिग हुए आपने जमज़म पिया, सर पर भी डाला आपने, फिर सफ़ा की तरफ जाना है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, जैसे कहा गया यहाँ आप शुरू में बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर पढ़ें जी। तवाफ़ उमरा करें, आपका उम्र के ये जो अरकान बताए गए रुकन यमानी हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ना है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मर्द हजरात शुरू के तीन चक्करों में रमल करें, तेज़ चलें, उसको रमल कहा जाता है, उसकी वजाहत मैंने कर दी, औरतों के लिए नहीं है रमल। मकाम इब्राहिम के पास दो रकात नमाज अदा करें, ये जो निशानात बताए जाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम, उस वक्त जो निशानात थे उसकी वजाहत की गई। वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जैसे ही हम तवाफ से फारिग हो जाएंगे ये आयत पढ़ते हुए वहाँ जाना है, और पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद काफिरून, दूसरी रकात में सूरह कुल अल्लाहु अहद इखलास, मकाम इब्राहिम पर दो रकात अदा करें, ये सुन्नत है।
तवाफ़ की रुख्सतें, तवाफ़ में कुछ आसानियाँ अल्लाह ने की हैं, बल्कि पूरे हज में आसानियाँ हैं, बल्कि पूरा दीन आसान। इन्न दीन युसरुन, अल्हम्दुलिल्लाह। सवारी पर तवाफ़ कर सकते हैं, आजकल गाड़ियाँ बनी हुई हैं, चेयर बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आसानी। अल्लाह के नबी ने हज किया था ऊँट पर, ऊँट की सवारी पर। बकदर ज़रूरत बात करना, अगर आपको कुछ जैसे शेख ने बताया कुछ भूल गए आप, किसी से पूछ सकते हैं, कोई दुआ याद नहीं आ रही आप बात कर सकते हैं, दुनियावी बातें ना करें, कोई ज़रूरी बात है कर सकते हैं इजाज़त। नमाज में मना है, तवाफ में आप जो ज़रूरी बातें हो सकती हैं कर सकते हैं। वज़ू टूट जाए तो जहाँ से टूटा हुआ वहीं से तवाफ मुकम्मल करना, शेख ने तफसील से बताया था, फिर शुरू से नहीं करना, दो चक्कर हो गए, तीन चार पाँच, जहाँ से वज़ू टूट गया है आप वज़ू करके आए वो कंटिन्यू करें आप। हाँ, बाज़ उलमा ने उस तरह दिया है, लेकिन आसान है दीन। पूरे हदीसों को जमा करके उलमा ने, आज के हालात बहुत मुश्किल हैं, छोड़ के आप चले गए फिर आना ही मुश्किल अंदर। हाँ, अगर पानी नहीं है या कोई बीमार है, जो तयम्मुम के जो उज़र हैं अगर वहाँ हैं तो कर सकते हैं, वरना आज माशाल्लाह अंदर हरम के अंदर बिल्कुल तवाफ़ के करीब करीब, मताफ के करीब वज़ू खाने बनाए गए, इतनी आसानी की गई। अगर कोई बीमार है सख्त तो उनके लिए गुंजाइश, गिनती में तरद्दुद हो तो कम तादाद को शुमार कर, शक हो गया दो किया मैंने चक्कर तीन, कम पर आप यकीन करें, फिर दो पर अगर शक है दो किया तीन किया दो मान लें, मानते हुए चलें और तीसरा मुकम्मल करें। नमाज का वक्त हो जाए तो तवाफ़ को रोक देना, फिर नमाज के बाद मुकम्मल करना, जहाँ आपका हो गया अजान इकामत हो गई रोक दें, चार हो गए थे रोक दें, फिर पाँच छः सात नमाज के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर औरत नापाक हो तो तवाफ़ को रोक दें, जैसे शेख ने तफसील से बता दिया है। माए जमजम लिमाशरी वाला, जमजम पानी, मुबारक पानी, इसको बाबरकत कहा गया, शिफा है उसमें। तो अल्लाह के नबी ने इशारा किया, जिस नीयत से बंदा, जिस सच्ची सही नीयत से पिएगा, कोई शिफा की नीयत से, कोई गज़ा की नीयत से, कोई अपने कोई मसाइल जो भी अल्लाह से दुआ करके, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह कबूल फरमाए। जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए मकसद पूरा होगा, उसका तर्जुमा इब्ने माजा की रिवायत, इन्नहा मुबारक, प्यारे नबी ने कहा ये मुबारक बरकत वाला पानी, इन्नहा तआम तुअमिन व शिफा सुखमिन, खाने वाले के लिए गिजा का काम और बीमार के लिए शिफा है। अल्लाह हमें बारहा नसीब फरमाया। सही की सुन्नतें, हजर अस्वद का इस्तेलाम, सफ़ा और मरवा पर दुआ करना, बतनुल वादी में दौड़ना, सही जब आप करेंगे उसकी जो सुन्नतें हैं, हजर अस्वद का इस्तेलाम, बाज रिवायतों में ये भी है कि आप वहाँ से इस्तेलाम करके जा सकते हैं, सफ़ा मरवा पर दुआ करना, उसकी तफसीलात आगे आएंगी कौन सी दुआएं। बतनुल वादी में दौड़ना, जहाँ ग्रीन लाइट्स हैं आगे इशारा आएगा, वहाँ मर्दों के लिए है कि उतना हिस्सा जहाँ तक ग्रीन लाइट तकरीबन 20 कदम वहाँ दौड़ना है, वहाँ भी ज़रूरी नहीं है दौड़ना, हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, पानी के लिए दौड़ लगाई थी, वो गुंजाइश है तो दौड़ें, वरना दूसरों को ढकलते हुए जाना नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है, औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए है। कहाँ से स्टार्टिंग, सही की भी कुछ रुख्सतें हैं, सही के दौरान जैसे तवाफ में अल्लाह ने कुछ रुख्सतें दी, सही में भी हैं, सवारी पर सही कर सकते हैं, कोई थक गए हैं जो भी वहाँ पे रहेंगे, इंतज़ाम ज़रूरत के तहत बात यहाँ भी, जैसे तवाफ़ में कहा गया सही में बावजू होना अफजल है, बेहतर है, तवाफ़ में ज़रूरी है, कंपलसरी, वज़ू के बग़ैर तवाफ़ नहीं होगा, सही कर सकते हैं लेकिन अफजल बेहतर है, वज़ू हो बना कर ही करें। गिनती में तरद्दुद हो तो कम तादाद को, जैसे तवाफ़ में शक हो गया था कम पर यकीन करना, सही में भी ऐसे ही, दो तीन में शौक हो रहा तो दो को यकीन माने और आगे कंटिन्यू करें। नमाज का वक्त हो जाए तो सही को रोक देना, फिर नमाज के बाद मुकम्मल करना, जैसे तवाफ़ में भी, अगर औरत नापाक हो तो भी सही कर सकती है। ये हुक्म कब था, पहले जब वो हिस्सा जो है मस्जिद के बाहर था, अब मस्जिद के अंदर हैं तो उलमा ने कहा, जो उलमा ये फतवा देते हैं कि मस्जिद में औरत नहीं आ सकती माहवारी के अय्याम में, तो आज के हिसाब से जो है इस फतवे के हिसाब से तवाफ़ भी नहीं करेगी, सही भी नहीं करेगी, पाक होने के बाद ये दोनों रुकन अदा करेगी। सफ़ा मरवा की सही,
वहां पहुंचकर इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह यह आयत पढ़ना सुन्नत है। अब्दाउ बिमा बदा अल्लाह बिही, सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ने शुरुआत कहां से की, सफा से, फिर मरवा का जिक्र किया। तो प्यारे नबी साहब अल्लाह ने जहां से शुरुआत की मैं भी वहीं से सही शुरू करूंगा, तो सफा से शुरू करना है मरवा तक। सही से पहले दुआ करें, क्या दुआ है, सफा और मरवा पर रुक कर ये दुआ तीन मरतबा पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और ये दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाबा वहदहु। ये दुआ जो है सही मुस्लिम, आप दुआ की किताब याद नहीं, याद करने की कोशिश करें, नहीं तो आप मोबाइल फ़ोन में या जो किताबें हैं साथ में रख के आप पढ़ सकते हैं देखकर, कोई हर्ज नहीं, याद करने की कोशिश करें और मीनिंग के साथ पढ़ें ताकि उसका असर हो, आप क्या पढ़ रहे हैं समझें अल्लाह से, और आप गिड़गिड़ाएंगे वो तौहीद का जज्बा पैदा होगा, शिर्क से नफरत होगी जब हम पहचाने समझ के पढ़ेंगे। सफ़ा मरवा की सही करना है, अब यहाँ सफ़ा है वहाँ जाएंगे लाश मरवा है, एक चक्कर हो जाएगा, फिर वापस सफ़ा आए दो, इस तरह सात चक्कर अदा करने हैं। हरी बत्ती के दरमियान सिर्फ मर्द हजरात दौड़ लगे, ये जो यहाँ ग्रीन लाइट है ये तकरीबन 20-25 कदम वहाँ मर्दों के लिए है कि दौड़ लगाएं, अगर मौका है जगह है तब, सुन्नत है वाजिब नहीं है ज़रूरी। सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर शुमार होगा जिसे अभी बताया मैं, सफ़ा से मरवा जाएंगे एक चक्कर फिर वापस आएंगे दो, बाज़ लोग कहते हैं कि जाएँ फिर आएँ तो एक, 14 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा मामला, इसको याद रखें जी। हलक या खसर आखिरी जो होता है उम्र में, या तो बाल मुंडवाएं या कम करें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इधर से थोड़ा ऐसा ना करें, या तो मुकम्मल मुंडवाएं या मुकम्मल सर के पूरे बाल कम कराएं, इधर से थोड़ा इधर, समझ गए आप इशारा, ऐसा ना करें मना है। मर्द हजरात हलक पूरा मुंडवाएं, सर पूरे बाल साफ करें या कम कराएं, खवातीन उंगली के बराबर काट लें जैसे शेख ने बताया पोर के बराबर, अगर चोटियां अलग अलग हैं तो हर चोटी के एक पोर काट लें। मुबाहत अहराम, हालत अहराम में कौन सी चीज़ जायज़ है, क्या क्या कर सकते हैं, घड़ी पहन सकते हैं आप, घड़ी का इस्तेमाल, हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों में सवार हो सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं, मरहम पट्टी कुछ ज़ख्म हो गया लगा सकते हैं, बेल्ट बांध सकते हैं, चप्पल पहन सकते हैं, नहाना अहराम बदलना जायज़ है, अंगूठी पहनना सोने की अंगूठी नहीं मर्दों के लिए, चांदी की पहन सकते हैं, छतरी इस्तेमाल करना, धूप वगैरह होती है सख्त धूप होती है छतरी इस्तेमाल, ये चीज़ें जायज़ हैं हालत अहराम में जायज़ हैं, इसकी इजाज़त है। ममनुआत अहराम, कौन सी चीज़ें मना हैं, क्या नहीं कर सकते हम लोग, बाल या नाखून काटना मना है, खुशबू लगाना मना है, अहराम बांधने के बाद नहीं लगा सकते, अहराम पहनने से पहले लगा सकते हैं साबित, सर ढांपना, टोपी पहनना, अमामा पहनना या किसी भी कपड़े से बांधना मना है, खुला रखना है सर, सिला हुआ लिबास पहनना जायज़ नहीं, जूता या मोज़ा पहनना भी जायज़ नहीं है, निकाह या मंगनी करना हालत अहराम में जब तक है मंगनी भी करना जायज़ नहीं, निकाह भी करना जायज़ नहीं, औरतों का दस्ताने पहनना बता दिए, ग्लव्स पहनना जायज़ नहीं, निकाब पहनना भी नो स्पेस, कब है ये, जब सामने अजनबी लोग ना हो, खुला रखेगी वरना अगर आए तो किसी और कपड़े से ढांप लेगी। मुबाशरत करना बीवी से जिस्म लगाने को मुबाशरत कहते हैं अरबी में, जिस्म से जिस्म लगाने को मुबाशरत कहते हैं, ये मना है, जब तक हलाल नहीं हो जाएंगे मना है। हालत अहराम में गलती का कफारा, अगर कोई गलती कर दिया, अभी जो चीज़ें बताई गई मना है, कोई सर ढांप लिए, टोपी पहन लिए, जूते पहन लिए, तो क्या गुनाह होगा, क्या कफारा है उसका, कर लिए तो क्या करना होगा, गलती हो गई, फमन का ना मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़दियतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, तीन चीज़ों का जिक्र अल्लाह ने किया सूरह बकरा आयत नंबर 192 में, एक जानवर ज़बह करें दम जिसको बोलते हैं, कुर्बानी करें, अगर ताकत नहीं है 6 मिसकिनों को खाना खिलाएं,
मक्के के 6 मिस्किनों को खाना खिलाए, या 3 रोजे रखे, या 3 रोजे रखे, उसका कफारा है। एहराम खोल दें, आम लिबास पहन लें। जब उम्रा मुकम्मल हो गया आपका, एहराम खोल के आप आम लिबास पहन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। नमाज बाजमात का अहतमाम, तस्बीह तहलील तकबीर, तस्बीह के माने सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुआओं में मशगूल रहें। जो भी अस्कार हैं, दुआएं हैं, कर सकते हैं। तो यही अब तक जो बातें बताई गई उसको एक चार्ट की शक्ल में और वजाहत की गई, एक ही चार्ट में। अब तक कई स्लाइड्स देखे आप, उसका खुलासा इसमें किया गया। उम्रे में होने वाली गलतियाँ, बास लोगों की क्या क्या गलती होती हैं। एहराम की 2 रकात नमाजें, एहराम जैसे एहराम के लिए खास लिबास नमाज नहीं, वजू भी नहीं करना ज़रूरी, करना बेहतर कर लें, लेकिन एहराम बांध रहा हूँ इसलिए नहाना, इसलिए जो है वजू करना, या 2 रकात एहराम के लिए ख़ास नहीं। अगर उस वक्त किसी नमाज का वक्त हो गया तो आप पढ़ सकते हैं। मीकात से कबल नीयत तलबिया, बताया मैं, मीकात से पहले भी नहीं कर सकते आप, गुजरने के बाद कफ़ारा होगा, जब पहुँचे हैं उसी वक्त आप करना। बाज़ लोग पहले ही कर देते हैं, नीयत ये दुरुस्त नहीं। तवाफ़ और सही के हर चक्कर में मन घड़त दुआओं का, जिस शेख ने बताया अपनी तरफ से बना लिए हर चक्कर की दुआ, जो साबित है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपको कुछ किताबें भी हैं देंगे इंशाल्लाह, उसी दुआ उन्हीं दुआओं का अहतमाम। ख़वातीन का दस्ताने निकाब पहनना बता दिया। नमाज में इस्तेबा की हालत, देखिए 7 चक्कर ख़त्म हो गए, इसको आप ओढ़ लें, खुला नहीं रखना, सिर्फ तवाफ़ की हद तक। नमाज जब आप पढ़ेंगे उस वक्त इसको ढांक लें। बाज़ लोग खुला रख के नमाज पढ़ते हैं, गलत। ख़वातीन का हजर अस्वद के इस्तेलाम के लिए मर्दों से मिस होना, टच हो जाना मना है। हजर अस्वद के अलावा दीगर मकामात को बोसा देना, सिर्फ हजर अस्वद को बोसा देना साबित, किसी रुकन यमानी को सिर्फ छूना साबित। हजर अस्वद को दोनों हाथों से इशारा करना, अपने हाथों को बोसा दें, सिर्फ इशारा साबित है, फिर इशारा करके चूमना ये साबित नहीं, इशारा करें आगे बढ़ें। सही में हरी बत्ती पर ख़वातीन का दौड़ लगाना, सिर्फ मर्दों के लिए है ये, औरतों के लिए नहीं। रमल भी मर्दों के लिए हैं, तवाफ़ में 3 चक्करों में शुरू के, सही में भी औरतों के लिए नहीं है दौड़ लगाना। सही के बाद 2 रकात अदा करना, तवाफ़ के बाद अदा करना है, सही के बाद कोई नमाज नहीं है। मस्जिद हराम जहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर, माशाल्लाह कितना बड़ा फजल अल्लाह का, जितनी पढ़ सकते हैं नवाफिल पढ़ें। अभी बाज़ लोग आसानी पूछ रहे थे, सफ़र में खसर है, सफ़र में पढ़ सकते नहीं, जितने पढ़ सकते पढ़िए नमाजें नफिल, जितने लाख करोड़ों चाहिए सवाब पढ़िए, जितनी एक्टिव रहें आप पढ़ते जाइए। ख़ास तौर से अल्लाह के नबी सफ़र में जब तक आप हैं, वितर की नमाज़ नहीं छोड़ते कभी, फजर की 2 सुन्नतें नहीं, बड़ा सवाब है, अल्लाह अमल की तौफीक दे। नफली तवाफ़ का अहतमाम, जितना तवाफ़ कर सकते हैं आप नफली कर कीजिए, दिन रात में दोपहर में जब आपको मन चाहे कर सकते हैं इंशाल्लाह। तिलावत कुरान जिक्र अस्कार का अहतमाम, जिक्र करें तिलावत करते रहें। अय्याम हज ज़िलहिज्जा के 6 दिन, अब हज के दिन शुरू, 5 दिन शेख ने कहा तो 12 तारीख मिलाकर, कोई 12 के बाद जाना चाहता जा सकता, इसलिए 5 दिन कहा जाता है। कोई 13 को भी रुकना चाहता है तो कितने दिन हो जाएंगे, 6 दिन। मकामात हज एक तस्वीर की शक्ल में बताया गया है। यहाँ पे यौम तरविया, हज के दिन पहला दिन क्या है, यौम तरविया, 8 ज़िलहिज्जा, 8 ज़िलहिज्जा, 9 तारीख को क्या करना है, अरफा जाना है, उसकी तफसीलात आएंगे आगे। और 10 ज़िलहिज्जा को मीना में जाना है, जिसको यौम नहर कहा जाता है, यौम हज्जुल अकबर कहा गया उसको, सबसे अहम दिन, इसमें 4 काम करना तफसील से बताएंगे। 11, 12, 13 अय्याम तशरीक, इसको बोलते हैं अय्याम तशरीक। मकामात हज यहाँ पे देखिए बताया गया है, हरम से मीना कितने किलोमीटर है, 8, मीना से अरफात 16 किलोमीटर, अरफा से मुजदलिफा 8, मुजदलिफा से मीना 7 किलोमीटर, चल के जाना अगर ताकत है तो जा सकते हैं, सुन्नत है अल्लाह के नबी चल, जैसे सहूलत ही सहाबा ने अमल किया, ज़रूरी नहीं है, जिसको सवारी है सवारी करें, ख़ासतौर से बूढ़े लोग कमज़ोर लोग उसका ये करें। 8 ज़िलहिज्जा सुबह गसल करें, एहराम बांधें, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, ये हज की नीयत है, अल्लाहुम्मा लब्बैक
हज्जन। नियत के वक्त ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्म हादी हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमा, बाज़ी रवायतों में साबित है, ये भी पढ़ सकते हैं। तलबिया बुलंद करें, मुख्तसर तलबिया जैसा मैंने बताया ये भी पढ़ सकते हैं। आरज़ुल हिज्जा अपने मकाम से मिना, जहाँ आप रुके थे जिस होटल में जिस जगह पर, वहीं से आपको मिना जाना है। मिना में क्या करना है, 5 नमाज़ें अदा करना है, फजर के बाद जाना है, जहर असर मगरिब इशा और 9 ज़िलहिज्जा का दिन सुबह फजर, 5 नमाज़ें। हर नमाज अपने वक्त पर अदा करें इन दिनों में, इस दिन जहर अपने उस वक्त में, असर उसके वक्त में। 3 नमाज़ें खसर अदा करें, अलबत्त जहर असर और इशा 4 रकात वाली नमाज खसर के साथ पढ़ना है। खूब तलबिया पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं तलबिया बुलंद करते रहें। 9 ज़िलहिज्जा के आमाल, 9 तारीख को क्या करना है, फजर के बाद मीना से अरफा जाएं, अरफा जाना है, मुमकिन हो तो मस्जिद नबीरा में खुतबा दें, जो इमाम होगा जैसे वहाँ के जो उलमा होते हैं देते हैं। जहर असर खसर और जमा करें, जहर असर की नमाज एक ही वक्त में, जहर के वक्त अदा करना है 2-2 रकात, खसर माने 2 रकात पढ़नी है और एक ही वक्त में। जहर के वक्त अल्लाह के नबी ने जहर पहले 2 रकात अदा की, फिर असर की नमाज अदा की, सूरज गुरूब होने तक वहीं रहें। कब तक रहना है, सूरज बिल्कुल गुरूब होने के बाद वहाँ से निकलना, पहले कोई निकल गए गलत, खिलाफ वर्जी। खूब दुआएं करें, खूब दुआएं, जहर से असर मगरिब तक का वक्त है, काफ़ी 4-5 घंटे मिलते हैं, खूब दुआ। और अरफा का दिन है, अल्लाह ताला जो है बंदों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, बहुत ही अजीम दिन। अलहज अरफा, अल्लाह के नबी ने कहा हज का सबसे अहम रुकन क्या है, अरफा में रुकना। जैसे शेख ने इशारा किया, जो बहुत बीमार होते हैं अगर 5 मिनट भी आके चले गए उनका हज हो जाएगा, जो रुखसतें जिसके लिए हैं उसके लिए, लेकिन यहाँ आना ज़रूरी है। 9 ज़िलहिज्जा, नेक्स्ट बाद नमाज फजर मीना से निकलकर मैदान अरफात में वकूफ़ करें, जैसे बताया मैं अभी 9 तारीख को यहाँ रहना है। मैदान अरफा के खैमों का मंजर, वहाँ लोग जैसे रहते हैं, एक नक्शा दिया गया, एक तस्वीर। अलहज अरफा अभी मैंने बताया, अरफा में रहना ज़रूरी है, चाहे कुछ लम्हात के लिए ही सही, ज़रूरी है। अगर यहाँ कोई नहीं आता उसका हज नहीं होगा, मतलब ये है कोई अरफा में नहीं पहुँचा, चाहे 5-4 मिनट के लिए भी नहीं पहुँचता है, डायरेक्ट मुज़दलिफा जाता है, उसका हज नहीं होगा। अरफा के दिन की दुआ, ये सबसे अजीम दुआ जो अल्लाह के नबी ने कहा, मैं और मुझसे पहले तमाम अंबिया ने जो दुआ मांगी, अरफा में ये दुआ जितने बार हो सके, 100 बार, 200, 300, 1000, जितना आप पढ़ सकते हैं, ये सबसे अजीम अद्दुआ अफ़ज़लुद्दुआ दुआ यौम अरफा कहा, ये दुआ है। अल्लाह अकबर पढ़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 10 ज़िलहिज्जा, ये सबसे अहम दिन अरफा के बाद, सबसे अहम दिन जिसमें 4 बड़े बड़े काम करने। 10 ज़िलहिज्जा पीछे जाएं, को मुज़दलिफा पहुंचकर मगरिब इशा अदा करें। गुरूब होने के बाद आप निकलेंगे तो मगरिब का वक्त होगा, मगरिब के वक्त ही पहले मगरिब अदा कर लें, एक अजान के साथ, एक अजान दी जाएगी इकामत, मगरिब पहले अदा करें, फिर उसके बाद इशा पढ़ लें असर के साथ। 10 ज़िलहिज्जा की रात मुज़दलिफा में सोकर गुजारें। यहाँ सुन्नत क्या है, सोना, आराम करना, थक गए होते हैं, फिर अगले दिन बहुत 4 बड़े बड़े काम करना है, जागना सुन्नत नहीं है। सुन्नत क्या है, आराम करना, नींद ना भी आए लेट कर उठें, नींद ना भी आए जिक्र करते करते तिलावत करते हुए लेटें, कम से कम थोड़ा सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, ये सुन्नत है। 10 ज़िलहिज्जा की सुबह नमाज फजर के बाद सूरज तुलू होने तक खूब दुआएँ करें। फजर की अजान नमाज पढ़ने के बाद, फजर की जो अजकार होते हैं नमाज के बाद वो पढ़ें, सुबह की दुआएं पढ़ें, और वक्त में इशराक का जो वक्त होता है उस वक्त तक खूब दुआएं करें, अल्लाह से खूब दुआएं करें, ये प्यारे नबी की सुन्नत। मुज़दलिफा से मीना आते हुए 7 या 70 कंकरियाँ चुन लें। शेख ने वजाहत की थी 10 ज़िलहिज्जा को सिर्फ 7 कंकरी बड़े पत्थर को मारनी, और मज़ीद 3 दिन अय्याम तशरीह 11, 12, 13 तीनों को मारना है, तो 7, 3, 21 3 दिन के मिला के 63 63 और ये 7 मिला के 70, इसका इशारा किया गया।
रमी जमरात क्या करना, यौम नहर 10 जिलहिज्जा का दिन, चार बड़े बड़े काम करना है। नंबर एक, जमरात को कंकरी मार, बड़ा पत्थर जो है उसको 7 कंकरी। दूसरा, कुर्बानी करना है। जैसे शेख ने वजाहत की, कुर्बानी हम नहीं कर सकते, हमारे हवाले नहीं, सऊदी गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट की तरफ से राजही या इस तरह के जो बैंक हैं उनको दें। बंगाली, जैसे शेख ने इशारा किया, बंगाली कुछ लोग हैं और कुछ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोग अपनी रसीदें फाड़ के देते हैं, ऐसे लोगों के हवाले मत करें, अक्सर लोग धोखा देते हैं। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ ये ज़्यादा बेहतर। अगर आपके कोई पहचान के हैं उलमा, वो भी करते हैं, तो उन पर भरोसा, आम लोगों पर भरोसा ना करें। हलक या कसर, तीसरा काम, बाल पूरे मुंडवाएं या कम करें। चौथा, और यहाँ देखिए, जब ये 3 काम कर लेंगे उसे बोलते हैं तहल्लुल अव्वल। पहली मरतबा आप हलाल हो गए, पहली मरतबा हलाल हो गए, आप एहराम के कपड़े उतार सकते हैं। जो पाबंदियां थी पूरी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एक पाबंदी रहेगी, बीवी से करीब नहीं होना, बीवी से मुबाशरत या हम बिस्तरी नहीं करना। उसके अलावा जितनी पाबंदियां थी सब ख़त्म, उसको बोलते हैं तहल्लुल अव्वल। ये 3 काम होने के बाद चौथा काम क्या रहता है, तवाफ, तवाफ इफादा कहते हैं उसको, तवाफ ज़ियारा या इफादा, वो तवाफ करना है और सही करना है, सही करना है। ये अगर वो भी कर लें तो उसको कहते हैं तहल्लुल सानी। अब आप पूरा आज़ाद हो गए, अब बीवी से जो पाबंदी थी बीवी के लिए वो भी ख़त्म, उसको बोलते हैं तहल्लुल सानी। दूसरी मरतबा आप हलाल हो गए मुकम्मल तौर से। 10 ज़िलहिज्जा सूरज तुलू होते ही मीना रवाना हो जाए, सूरज जैसे ही निकलेगा मीना चले जाए आप, मुज़दलिफा से मीना। रमी जमरात में नियाबत, छोटे बच्चे हैं या बूढ़ी ख़वातीन या मर्द हैं, वो जाके कंकरी नहीं मार सकते, बीमार हैं, तो उनकी तरफ से कोई और मार सकते हैं, उनकी नियाबत कर सकते हैं। मुकर्रर रास्तों पर चलने की कोशिश करें, जो रास्ते सऊदी गवर्नमेंट ने इशारे किए हैं उन्हीं रास्तों पर चलेंगे, सीधा पहुँचेंगे, इधर उधर गए यू टर्न ये टर्न, उधर से कहीं बाहर निकल जाएंगे आप। जो रास्ते बताए गए पहले से मालूम कर लें, और आपके जो साथी होते हैं रिश्तेदार या मुअल्लिम वगैरह जो भी रहनुमाई, उनका साथ दें, वरना इधर उधर चले गए तो बहुत परेशानी हो जाएगी, आपको तलाश करना भी मुश्किल हो जाएगा, आपका खुद वापस आना भी मुश्किल हो सकता है। तलबिया पुकारना बंद कर दें, सूरज तुलू होते ही जमरे अकबा को अल्लाह अकबर कहते हुए रमी करें, इसके पास दुआ ना करें। क्या करना है, 10 ज़िलहिज्जा को बड़े पत्थर को 7 कंकरी मारना है, दुआ नहीं करना है, वहाँ पर मार के निकल जाए, ये सुन्नत। जमरात की मौजूदा शक्ल, आज जो जमरात जैसे बनाए गए हैं ऊपर से उसकी तस्वीर ली गई, एक मंजर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, कुर्बानी करें। कुर्बानी का तरीक़ा, अगर मौका, आज तो मौका नहीं, किसी को मिलता है, किसी के रिश्तेदार वहाँ हैं पहले से, कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, तो अपने हाथों से ज़बह कर सकते हैं। ज़बह कुर्बानी की जो तरीक़ा है, हलक या खसर करें उसकी एक शक्ल, औरतें जो हैं कम करेंगी उसकी शक्ल, या मर्द हजरत कम करेंगे उसकी शक्ल दी गई। हज्जाज इकराम हलक या खसर करते हैं, एक मन तस्वीर बताई गई, बाज़ लोग खुद एक दूसरे को करते हैं या दूसरों से करवाना ज़्यादा बेहतर है, अगर कोई जानता है तो कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं। एहराम खोल दें, आम लिबास पहन लें। तहल्लुल असगर जो अव्वल कहा गया था, जब ये 3 काम करेंगे आप तो पहली मरतबा हलाल हो गए, एक पाबंदी रहेगी, बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना, मुबाशरत नहीं करना। तवाफ इफादा करें, आखिरी जो 10 ज़िलहिज्जा को जो 4 काम हैं, आखिरी काम तवाफ वो करें। रुकन यमानी हजर अस्वद के दरमियान दुआ है मशहूर मारूफ, सफ़ा मरवा की सही, तवाफ करके सही भी करना है। देखिए यहाँ पर ये जो 4 काम बताए गए, अगर आगे पीछे हो गए तो तरतीब जो बताई गई, पहले कंकरी मारें, फिर कुर्बानी, फिर बाल, फिर तवाफ, अगर आगे पीछे हो रहा है जायज़ है। कई सहाबा का ऐसा हो गया, आके पूछा अल्लाह के नबी साहब, कहा इफ़ अल वाला हरज, इफ़ अल वाला हरज, कहा कोई बात नहीं, आगे पीछे हुआ कोई, लेकिन 4 करना ज़रूरी, आगे पीछे हो तो तरतीब जायज़ है, लेकिन जैसे चाहे वैसा करें, जब चाहे करें।
आज बाज़ लोगों ने मजाक उड़ाया अल्लाह के नबी के जुमले का, मजाक उड़ा के कुछ सऊदी वाले भी हैं, कुछ गैर सऊदी भी हैं, जो चाहे करो मर्जी, नऊज बिल्ला मिन दाली। जो जो खास तरीका अब तक बताया गया वैसे ही हज करना है, वैसे ही उमरा करना। दिल में जैसा ये मतलब नहीं है इफल वाला हरज, जो चाहे करो हरज नहीं, सिर्फ वो तरतीब आगे पीछे में बताया अल्लाह के नबी, हम जैसे चाहते हैं वैसा करें, हमारे मसलक, हमारे इमाम, हमारे बुजुर्ग पीर हराम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। इसलिए उलमा ने इसका जवाब दिया जो ऐसी बातें कहते हैं, इफ़अल वला हज, जो चाहे करो, हज का सवाब नहीं, याद रखो। हज का सवाब कब? जब अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक किया जाए। मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पर। अल्लाह के नबी के लिए इजाज़त नहीं थी, सहाबा को इजाज़त नहीं थी, क्या मुझे और आपको मिले? रुख्सतें आप देखें कितनी रुख्सतें अल्लाह ने, आसानी किया अल्लाह ने, लेकिन दिल में जब जो आए करें नऊज़ बिल्ला नहीं, ये इजाज़त कभी भी नहीं है, जिंदगी भर नहीं। अय्याम तशरीक में रमी जमरा 11, 12, 13 तारीख को क्या करें, या त्री छूट गया है, बहरहाल छोटा पत्थर, फिर दरमियाना और बड़ा, तीनों को मारना है। 10 तारीख को सिर्फ बड़े को, सात, और इन तीन दिनों में कब मारना है? रोज़ाना जवाल के बाद, जब जहर की अजान का वक्त शुरू होता है, वक्त जवाल कहते हैं, उसके बाद मारना है 10 तारीख को, सूरज निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद। और यहाँ तीन दिन तीनों को मारना है, और जवाल जब वक्त शुरू होगा जहर का तब। अय्याम तशरीक में रमी जमरात तरीक़ा बता रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा पत्थर को मारें, पहले और दूसरे के बाद दुआ कर सकते हैं आप, पहले और दूसरे को मारने के बाद, पहले से मारने फारिग हो गए, थोड़ी देर दुआ कर सकते हैं क़िबला रुख होकर, दूसरे के बाद भी दुआ, तीसरे के बाद दुआ नहीं करना है, तीसरे के बाद दुआ नहीं करना है। ईद और अय्याम तशरीक की रातें मीना में गुजार, ईद की जो रात है तवाफ़ करके आए आप, वापस मीना आना है आपको, ठीक है, 10 तारीख को, फिर 11, 12, 13 मीना ही में गुजारना है, मक्के में मैं गुजारता हूँ, फिर वापस अरफा मुजदलिफा इजाज़त नहीं है। 12 ज़िलहिज्जा को वापस आना हो तो मगरिब से पहले मीना से निकल जाए। अगर कोई 12 तारीख को आना चाहता है वापस, इजाज़त है, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले मीना छोड़ दें, अगर सूरज वहीं गुरूब हो गया, लेट कर दिए, तो इजाज़त नहीं है, फिर 13 ज़िलहिज्जा को भी रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, ये सुन्नत है। इसका जिक्र अल्लाह ने इस आयत में किया है 203 में, बकरा, सूरह बकरा। इन दिनों मुमकिन हो तो मस्जिद खैफ नमाज अदा करें, एक मस्जिद है वहाँ पे मस्जिद खैफ के नाम से, जहाँ के बारे में मशहूर हैं 70 या इस तरह का कुछ तादाद बताई गई, कई अम्बिया किराम ने नमाज पढ़ी, मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया है, अम्बिया ने नमाज पढ़ी है, अगर मौका मिलता है, वैसे फुल रहती है मस्जिद, फुल रहती है मस्जिद, हज़ार लाखों में लोग, मुश्किल है, किसी को मिलता है मौका पढ़ लें, कोई फजीलत तो नहीं है ख़ास, पढ़ सकते हैं मीना के मैदान जी। मक्के से रुख्सत होते वक्त तवाफ़ विदा, आखिरी जो काम करना है, मक्का छोड़ना है वापस आना है, तवाफ़ विदा, तवाफ़ जिसको विदा कहते हैं, अलविदा जो कहते हैं वापस, उस माने में तवाफ़ का नाम। हाइज़ औरत के लिए ये तवाफ़ माफ़ है, किसी का अय्याम शुरू हो गया औरतों के लिए, उसके लिए माफ़ है, फिर ज़रूरी नहीं कि आप 7 दिन रुकें, किसी की डेट उसी वक्त फ्लाइट बुक है आ सकती है, ये तवाफ़ विदा औरत के लिए ज़रूरी नहीं, अगर उसको माहवारी शुरू हो जाती है तो रुख्सत है। अब जो अब तक जो तरीक़ा बताया आपको तरतीबवार, उसको एक ही पेज में जो है बताया गया है आसानी के लिए, अलग अलग स्लाइड देखने से बेहतर एक ही में आप मुख्तसर जो अब तक जो तरीक़ा बताया गया उसकी ये शक्ल है। ख़वातीन और मसाइल हज, कुछ ख़वातीन के ख़ास मसाइल हैं। नंबर एक, औरतें बग़ैर महरीम के हज नहीं कर सकती, शर्त में शेख ने बताया था महरीम, जो महरीम बाप बेटा शौहर, ये जो महरीम हैं चाचा मामू, उन्हीं के साथ हज कर, अगर कोई नहीं है दूसरों के साथ नहीं जा सकती, जाएगी तो गुनहगार होगी, अगर अल्लाह को नाराज़ कर दी अल्लाह कबूल भी नहीं करेंगे, वाज़े। औरतों का कोई ख़ास अहराम नहीं, आम लिबास पहनेंगे। ख़वातीन हालत अहराम में अपने चेहरे हाथ, तफसील से बात बताई गई। अय्याम वाली ख़वातीन भी गुसल करके अहराम बांधेंगी, जिसके अय्याम शुरू हो गए माहवारी के, वो भी गुसल कर सकती है, और अपना लिबास जो अहराम के लिए, कोई ख़ास तो नहीं है, जो चाहे पहन सकती।
ख़वातीन अय्याम हज में माने हैज़ दवाई का इस्तेमाल, पहले से उसको मालूम है कि अगर मैं जाऊंगी अब दिन शुरू होंगे मेरे, कुछ दवाई है अगर खा लेते हैं तो खून नहीं आता, उसको बंद करने के लिए। यहाँ भी उलामा ने कहा अगर सेहत को नुकसान हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मोतबर डॉक्टर से मशवरा करें। बाज़ औरतों को कंट्रोल नहीं होता, बड़ी तकलीफ़ होती है, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, तो पहले मोतबर डॉक्टर से मालूम कर लें अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाज़ औरतों को कुछ नहीं होता, अगर वो औरतें करती हैं इजाज़त, आम हर औरत ना करें, हर औरत इस्तेमाल ना, नॉर्मल रहे, कोई हर्ज नहीं, आपको बाद में अल्लाह ने आसानी की। नंबर छः, औरत गुस्ल के बाद ही उम्रा के अरकान मुकम्मल करेगी, पाक होने के बाद ही उम्रा के जो तवाफ बाकी रह गया सही कर सकती। ख़वातीन दौरान तवाफ सही रमल बताया मैं नहीं कर सकती। हज में भी अय्याम वाली ख़वातीन गुस्ल करके 8 ज़िलहिज्जा को हज का अहराम बांधेगी। हज में भी कब बांधेंगे? हज के जो दिन शुरू होते हैं 8 तारीख, तभी अय्याम वाली ख़वातीन हज के तमाम अरकान अदा करेंगे सिवाय तवाफ और सही के। वजाहत हो चुकी है, अय्याम वाली औरतें तवाफ़ विदा के बगैर भी लौट सकती हैं, अभी बताया जिसका अय्याम शुरू है। आखिरी जो तवाफ़ है तवाफ़ विदा, वो वाजिबात हज में से हैं, इन औरतों पर वाजिब नहीं है। हाजियों से होने वाली आम गलती, फ़ोटो ये तो आम बात, मस्जिदें भी नहीं छोड़ते, हरमैन शरीफें तस्वीर हराम है, अल्लाह बचाए इस दिखावे से, हराम काम से। सफर हज से पहले बाद में मज़ारात पर, अल्लाह रहम करें, अल्लाह उस सरज़मीन को पाक किया है, यहाँ के मज़ारात ये शरीफ वो शरीफ हराम है, उतने मुबारक घर को जा रहे हैं और ये शिर्क के काम, गलत काम, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपने नाम के साथ हाजी लिखवाना, दूसरों से पैर पड़वाना, पास लोग करते हैं अजीब अजीब काम करते हैं, नऊज़ बिल्लाह, कोई बड़े पीर नहीं बन जाते आप। मस्जिद हराम मस्जिद नबी से उल्टे पैर, इज्जत एहतराम का तरीक़ा बताया गया, माँ बाप सामने बैठे हैं पीछे जाएं तो कोई एहतराम है? ये अजीब, बाज़ लोग इतना एहतराम, गुलू, जायज़ नहीं। बकी खबरस्तान से तबर्रुकन मिट्टी लाना, वो मिट्टी में कोई फजीलत नहीं, वहाँ दफन होने की भी कोई फजीलत, मदीने में इंतकाल हो गया उसकी फजीलत, और ये भी इंतकाल नॉर्मल हो, खुद जाके एक्सीडेंट में मरे, खुदकुशी करना हराम। पूरे मक्का को हरम समझकर होटलों में नमाज पढ़ना, पूरा हरम, वो आसपास की जगह हरम नहीं है, हरम के हदूद बताए गए वहीं पर नमाज पढ़े, सवाब मिलेगा। हरम के कबूतरों को दाने डालना, फिर उसे तबर्रुकन ले आना, परिंदे हैं खिलाइए, लेकिन उसे सवाब समझ के करना, हज का रुकन समझना गलत। मैदान उहुद और बदर में नमाज पढ़ना, कोई ख़ास नमाज नहीं, तवाफ़ बदल करना, सिर्फ तवाफ़, जैसे उम्रा बताएं, सिर्फ तवाफ़ मैयत की तरफ से करना जायज़ नहीं। नफली सही करना ये भी साबित नहीं है, नफली तवाफ़ आप अपना कर सकते हैं, तवाफ़ नफली तवाफ़ जाके नहीं करना। बस चंद बातें हैं, 2-3 मिनट में ख़त्म करनी इंशाल्लाह। औरतों का गैर महरीम को महरीम करार देकर हज या उम्रा, शर्त बताई गई, जो महरीम है वही महरीम, आज गलत लिखाया जाता है, जो चाचा नहीं उसे चाचा लिखाया जाता है, अल्लाह को नहीं मालूम, गवर्नमेंट को धोखा दे सकते हैं, हज कमेटी को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को। ख़वातीन का दौरान इद्दत सफ़र हज उम्रा, इद्दत के औरतों के लिए दो कंडीशन, महरीम नहीं है तो नहीं कर सकती, इद्दत के दौरान जिसका शौहर इंतकाल कर गया इद्दत में है वो औरत भी तवा उम्रा और हज नहीं करेगी। खुद हज किए बगैर दूसरों का हज बदल, जैसे बताया मैं पहले खुद नहीं किया, मैं दूसरे की तरफ से नहीं कर सकता। अरफा से गुरूब आफ्ताब से पहले निकल जाना, ठीक है जमात का वक्त हो गया है, कुछ बातें हैं, चंद बातें, ख़ासतौर जो हुज्जाज किराम उनसे दरख्वास्त है कि नमाज के बाद थोड़ी देर आए, बस मुख्तसर वक्त में ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, जमात का वक्त कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, नमाज़ इशा के वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम कुछ ही मिनट में जो है इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जो बातें चल रही थी हाजियों से होने वाली आम गलतियाँ,
हुजाज किराम हज पे जाने वाले लोग उनसे जो आम गलतियां होती हैं, एक गलती जमरे उकबा को तुलु आफ्ताब से पहले कंकरियां मारना। अभी मैंने बताया था कि 10 ज़िलहिज्जा यौम नहर का दिन, उसको जो है बड़े पत्थर को कंकरी मारना है। कब मारना है? सूरज तुलु होने के बाद, उससे पहले मारना ये गलती है। बाज़ लोग पहले ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आफ्ताब सूरज निकलने का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद जाना, ये सुन्नत। इसी तरह मिना, अरफा और मुजदलिफा में नमाज़ों को खसर ना करना। अभी जैसे इस पर तफसीली बहस शेख अमीनुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह, इसी तरह शेख साबिर उमरी आलियावी हफिज़हुल्लाह, दोनों ने तफसील से बताया था इस सिलसिले में कि मिना के मैदान में, अरफा में हो या मुजदलिफा में नमाज का खसर करना यह हज की इबादत में शामिल है। उस सफ़र से उसका कोई ताल्लुक नहीं, सफ़र से उसका कोई ताल्लुक। मक्के में रहने वाले, मीना में रहने वाले अरब लोग भी, उनको भी ज़रूरी है इस सुन्नत को फॉलो करें। तो यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके लिए भी यही हुक्म है। यह हज का मनासिक कहते हैं, मनासिक के माने हज के अहकाम में दाखिल है, उसका सफ़र से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ मीना में जब तक रहेंगे, अरफा में, मुजदलिफा में ज़हर, असर और ईशा चार रकात वाली नमाज दो दो पढ़ना सुन्नत है, इसका अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह हमें सुन्नत का पाबंद बनाए, आमीन। अय्याम तशरीक की रातें मक्के में गुजारना, ये भी गलती है बताया। मीना में गुजारना 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, ये तीन रातें कहाँ गुजारना है? मीना के मैदान में। मक्के में जाके खड़े हो जाए वहाँ अजीज़िया, जो जहाँ पे अक्सर लोगों को रुकाया जाता वहाँ पर गलत है। मीना में आना ज़रूरी है, सुन्नत है, उसके खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए। हज और फिदिये की कुर्बानी अपने मुल्क में करवाना, इसके बारे में भी सवाल किया गया था, शेख ने तफसील से बताया। हज की जो कुर्बानी हदी जानवर वहीं पर ज़बह करना और वहीं की मिस्कीन फ़कीरों में तकसीम करना, यहाँ भेजना जायज़ नहीं है। मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ों का अहतमाम करना, ये भी सवाल किया गया था, क्योंकि आम तौर से उम्रे का पैकेज होता है या हज का, 8 दिन वहाँ रोकते हैं मदीने में, तो उस हिसाब से लोगों ने उस हदीस को जिसे शेख ने इशारा किया था, जिसमें ये जिक्र है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 40 नमाजें जो मुसलमान बंदा या बंदी बाजमात तकबीर उला के साथ, तकबीर उला तहरीमा के साथ जो 40 नमाजें कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहें, किसी भी छोटी बड़ी मस्जिद में पढ़ें, उसको फजीलत मिलेगी, अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद कर देंगे, बरात लिख देंगे और निफाक से अल्लाह बचा लें। ये फजीलत है हर एक के लिए, है कहीं भी, मदीने के साथ ख़ास नहीं, मस्जिद नबवी के लोग उससे ख़ास करते हैं, हालांकि मक्के को भी फजीलत हासिल नहीं। मदीने से जोड़ना और दूर की बात, मक्के में नमाज पढ़ने की ज़्यादा फजीलत, 1 लाख यहाँ 1,000, कितना बड़ा फ़र्क है, 1 लाख कहाँ 1,000 कहाँ। फिर ये फजीलत आम मस्जिदों से इसका ताल्लुक है, तो हज से जोड़ना और इस तरह कहना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फिर आम लोगों को मायूस किए जैसा, सिर्फ हाजियों को कितनी फजीलत देंगे, जितना अल्लाह दिया उतना काफ़ी, आम लोगों के लिए भी मौका दीजिए, उनको भी कुछ फजीलत मिले, ये तो बहुत बड़ी फजीलत है। निफाक से अल्लाह बरी कर देगा और जहन्नम से अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ 40 नमाजें पढ़ के बाकी नमाजें तकबीर छोड़ दें, 1-2 रकात छोड़ दें, सुस्ती करें, नमाज में सुस्ती कभी बर्दाश्त नहीं अल्लाह को। वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने कहा जहन्नम, किसके लिए जहन्नम? नमाज पढ़ने वाले, कैसे नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीनहुम फी सलातिहिम साहून, अल्लज़ीनहुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, सुस्ती करते हैं, नमाज को जानबूझ के ताखिर करते हैं, रियाकारी दिखावे के लिए पढ़ते हैं, ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम की वईद। नमाज जो छोड़ते हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए तो बहुत बड़ा गुना, बहुत बड़ा बड़ी सजा, जो नमाज पढ़ के ये सजा जहन्नम। कैसे नमाजी? गाफिल, ना रुकू सही, ना सजदे सही, ना शुरूत मुकम्मल करते हैं। इसमें कई बातें उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखी हैं, चंद इशारे किए मैंने। ऐसा नहीं कि 40 दिन पढ़ के बाद में सुस्ती करो, जिंदगी भर
क्योंकि बाज़ वह दफ़ा जो है हमें कोई उज़र लायक हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई अहम काम आता है, पहुंचने में लेट हो जाता है, ये अलग बात। इसलिए कहा गया कि 40 कम से कम पढ़े, ये कहा गया फजीलत मिल जाएगी। ज़िंदगी भर बाजमात पढ़ना है, कोशिश करना हर नमाज तकबीर उला के साथ इंशाल्लाह। खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैर मसनून आमाल, कुछ काम हैं जो वहाँ अल्लाह के नबी की खबर हैं और शेखैन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खबरें अल्लाह के नबी की खबर के पास हैं। वहाँ जाकर कुछ गलत काम करते हैं जो साबित नहीं हो करते। क्या साबित है सही तरीक़ा आगे जिक्र आएगा। कुछ गलत गलत चीज़ें करते हैं, वहाँ जाके चिट्टियाँ फेंकते हैं अंदर चिट्टियाँ। चिट्ठी में क्या है, अल्लाह के नबी मैं बीमार हूँ मुझे शिफा, है अल्लाह के नबी मेरी औलाद नहीं मुझे औलाद दीजिए। ऐसे ऐसे बातें जो अल्लाह से मांगना है अल्लाह के नबी से दुआ कराते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये शिर्क नहीं तो को मदीने में जाके शिर्क करना मक्के में बड़ी बदनसीबी की बात। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी हमारी नस्लों की तमाम मुसलमानों की। शिर्क से अल्लाह हमें नफरत दिलाए, आमीन। तौहीद पर साबित कदम रखें। अब देखिए यहाँ हज मुकम्मल हुआ, उसके बाद सफ़र मदीना और मसनून आमाल। मदीना जब आएंगे अल्लाह सबको मक्का मदीना ले जाए, उसकी ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, जो जायज़ काम है करने की तौफीक अता फरमाए, हराम काम से अल्लाह बचाए, आमीन। मदीना सफ़र करने की नीयत क्या हो, मदीना जब सफ़र करेंगे नीयत कैसी होनी चाहिए। देखिए इस्लाम आसान दीन है, अल्लाह ने खोल खोल कर बता दिया, अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बता दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ पढ़कर ज़्यादा अजर व सवाब हासिल करने की नीयत, सबसे पहले मदीना इसलिए जाना है कि उस मस्जिद में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ ज़्यादा ज़्यादा फ़र्ज़ नमाज़ें नफिल नमाज़ें सुन्नतें पढ़कर ज़्यादा सवाब पाने की कोशिश, ये नीयत होनी चाहिए हमारी। नंबर दो, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज हज़ार नमाजों से अफजल है। मक्के में कितना सवाब है, 1 लाख, और मदीने में 1000 नमाजों का सवाब है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद उल्टे पांव वापस आना सुन्नत से साबित, वापस जाते हैं सीधा, आते वक्त इस तरह आते हैं, ये कोई ऐसा कोई ताज़ीम एहतराम साबित नहीं बल्कि बेअदबी होगी। अगर माँ बाप को बार बार आप ऐसा करें, माँ बाप का एहतराम मैं कर रहा हूँ बल्कि ऐसे पलटें ऐसे जाएं बाहर, कहीं कंपनी में जॉब में ऐसा करें निकाल देंगे कंपनी से, बोलेंगे बेअदबी कर रहा है। तो मस्जिद नबवी में जाके ये तस्वूर रखना कि अजीब अजीब ख्याल, अभी आगे जिक्र आएगा कुछ काम, अजीब अजीब काम लोग कर, जिसके करने का हुक्म दिया गया अगर उतना कर लें काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। हमारी ज़िंदगी उतनी नहीं कि गलत काम करने नहीं भेजा अल्लाह ताला। तहकीक के बगैर जो चाहे करें नहीं चलेगा, इस्लाम में नहीं चल, दीन में नहीं चलेगा, दुनिया में आप जो चाहे करें, इजाज़त अल्लाह जहाँ तक अल्लाह ने इजाज़त दी करें आप, दीन में इबादत में किसी को इजाज़त नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाज़त नहीं थी दीन के मामले में कि अपनी तरफ से करें। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, अल्लाह ने कहा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, क्या कहते हैं, जो वही नाजिल होती हैं वही वही के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं, खुद भी वही करते हैं जो अल्लाह जिसकी इजाज़त देता है। कभी आप सुने अल्लाह के नबी ने हटके काम किया, नऊज़ बिल्लाह, ख्याल करना भी गुनाह है। प्यारे नबी को इजाज़त नहीं तो आज के मौलवी मुल्लाओं को पीर बाबा फ़कीरों को इजाज़त होगी, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला हमें सही दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर मुमकिन हो रियादुल जन्ना में 2 रकात नमाज अदा करें। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पे हदीस भी लिखी गई है, माँ बैना बैती ओ मिम्बरी रौदतुम मिन रियादुल जन्ना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे घर और मिम्बर के दर, जहाँ मिम्बर था अल्लाह के नबी का, तकरीबन समझे इतनी जगह है जो है तकरीबन, तो कहा ये जो हिस्सा है मेरे घर और मिंबर के दरमियान, प्यारे ये जन्नत की क्यारियों में से, जन्नत के एक अहम हिस्से में से एक हिस्सा, बागीचा। लेकिन यहाँ पे एक डाउट, यहाँ भीड़ लगा देते हैं लोग और यहाँ नमाज पढ़ना ज़रूरी समझते हैं, और वहीं नमाज पढ़े तो सवाब मिलता समझते हैं, ऐसी बात नहीं।
मस्जिद नबी में भी जहां भी आप पढ़ लें नमाज पूरी मस्जिद में जहां भी पढ़ें 1000 नमाजों का सवाब। इस जगह की कोई खास फजीलत नहीं, सिर्फ उसके बारे में अल्लाह के नबी ने इतना फरमाया ये जन्नत का एक हिस्सा है। जन्नत नहीं कहा, जन्नत का एक बागीचा या क्यारी जिसको कहते हैं वो है, लेकिन उसकी फजीलत नहीं बताई गई कि वहां नमाज पढ़ें तो ही 1000 नमाजों का सवाब, अगर कहीं और पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये बात नोट कर लें, क्योंकि बाज लोग जाके जगह नहीं है तभी बहुत परेशान करते हैं, या खुद परेशान होते हैं इंतजार में खड़े रहते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसा नहीं करना। जगह मिलती है अच्छी बात, खासतौर से जब हम पहली मरतबा जाएं मस्जिद जाएं तहियतुल मस्जिद, अगर वहाँ जगह मिलती है तो पढ़ें अच्छी बात, नहीं मिलती है तो कोई भीड़ लगाने की जरूरत नहीं, किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है जी। इसी को रियाजुल जन्ना अंदर से आप देख सकते हैं, जहाँ ग्रीन कालीन ग्रीन है वो उस हिस्से में, बाकी में रेड डाले हैं। अब पता नहीं आज की क्या सूरत हाल है। खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बारे में कह रहे हैं, खबर रसूल सल्लम के सामने नहायत अदब और आहिस्ता आवाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहिबैन पर दरूद और सलाम भेजें, क्या तरीक़ा है यहाँ जायज़? अल्लाह के नबी की खबर के पास बाअदब खड़े हों, अदब के साथ, अदब जानते हैं जितनी इजाज़त दी गई, गुलू भी नहीं करना है। और साहिबैन आपके दोनों साथी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु दुनिया में भी साथी, जब तक जिंदा थे साथी रहें, कब्र में भी अल्लाह ने जगह दी, जन्नत में भी साथी रहेंगे रदी अल्लाहु अन्हु अजमा। अल्लाह हमें भी वो मकाम अल्लाह के नबी के सोहबत जन्नत में अल्लाह अता फरमाए, आमीन। लेकिन उसके लिए बहुत सारे काम करने हैं, सिर्फ दुआ करने से, ख्वाहिश करने से नहीं, कुछ कुर्बानियाँ देना है, कुछ काम करना है, तो वहाँ दरूद और सलाम भेजना है। तरीक़ा क्या है? कलिमात अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, क्या कहना है? अल्लाह के नबी की खबर के सामने खड़े होकर वादब अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो इसका मतलब क्या, यहाँ रहकर या मदीने में कहीं और रहकर ये नहीं कहना, खबर रसूल के पास जाकर ये इजाज़त है कि अस्सलामु अलैका या, और तशहुद में जो दुआ है अत्तहियात पढ़ते ना उसमें भी अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी है ना, जहाँ बताया गया वहीं ये कलिमा पढ़ना, जहाँ चाहे बैठ के अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कहना साबित नहीं। बाज लोग नमाज के बाद क़िबला इधर है, देखे होंगे आप इस तरफ, क्योंकि इस तरफ मदीना है बल्कि खड़े हो जाते हैं, वहाँ जाके करना है, अपने गाँव शहर अपनी बस्ती अपनी मस्जिद में नहीं, ऐसा नहीं बताया गया, सहाबा ने ऐसा नहीं किया कभी भी। वहाँ कब्र के पास जाएंगे तो ये तरीक़ा है, ये कलिमात है। कुछ और इजाफात भी हैं आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में ये बेहतर अफजल है। अस्सलाम अलैका या अबा बकर, थोड़ा आगे बढ़ें दूसरे खाने में अस्सलाम, अबू बकर सिद्दीक की खबर है बाजू, फिर थोड़ा आगे बढ़ें अस्सलाम अलैका या उमर रदियल्लाहु अन्हुमा। बकरी कब्रस्तान की जियारत, एक 10-15 मिनट कदम आप दूर जाएँगे तो बकी कब्रस्तान है, मदीने का कब्रस्तान, उसका नाम क्या है? बकी, बकी उल गरकद, बकी उल गरकद, गरकद नामी वहाँ पे कुछ दरख्त हैं, इसलिए उस दरख्त की नस्बत से उस जगह का नाम बकी कहते हैं। बुका ज़मीन का एक हिस्सा, ज़मीन का एक हिस्सा, बुका बुका मिन अल अर्द बोलते हैं ज़मीन का एक हिस्सा, गरकद के दरख्त हैं इसलिए उस हिस्से को क्या कहा गया? बकी उल गरकद कहा गया। अब बाज़ लोग इसको बकी जन्नतुल बकी क्या नाम देते हैं, जन्नतुल बकी, ऐसा लफ्ज़ कहीं भी नहीं आया, लोगों ने बना लिया, और क्या समझते हैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके भी क्या समझते हैं, वहाँ जो भी दफन किया जाएगा सब जन्नती हैं। अल्लाह के नबी के दौर में रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल, उसको भी कहाँ दफनाया गया था? बकी में, उस वक्त का यही कब्रस्तान था। और कई मुनाफिकीन उस दौर में बात के अदवार में भी यहाँ दफनाए जाते हैं, लोग क्या समझते हैं वहाँ जो भी दफनाया गया सब जन्नती, नहीं, ईमान शर्त है, इस्लाम शर्त है। 10,000 सहाबा की खबरें हैं, उम्महातुल मोमिनीन में उम्मुल मोमिनीन खतीजा के अलावा और मैमूना के अलावा, खतीजा की खबर कहाँ है? मक्का मुकर्रमा,
और मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा की मकाम शरीफ मक्के से करीब एक जगह है शरीफ नामी, जहाँ अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह भी वहीं किया था और वहाँ से उन्हें रुखसती भी हुई, शफे जुफाब भी मना, उनका इंतकाल भी वहीं हुआ था, वहीं उनको दफनाया गया। उनके अलावा बकिया उम्महातुल मोमिनीन की खबरें कहाँ हैं? बकी कब्रस्तान। लेकिन ये तस्वर करना कि जन्नत का हिस्सा है यहाँ जो दफनाया गया सब जन्नती, कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। अल्लाह से उम्मीद है जो ईमान पर मरे हैं या जो लोग हज पे उमरे पे जाते हैं, कितने लोगों के बारे में सुनते हैं कि वहीं इंतकाल हो गया, उनको दफनाते हैं। ईमान शर्त है, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कहीं भी रहने वाला, सिर्फ वहाँ दफनाया तो उसकी गारंटी नहीं, ईमान पर मरा है तो इंसान। और मदीने में जो इंतकाल कर जाए, क्या सवाब है, क्या फजीलत है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अगर मदीने में कोई इंतकाल कर जाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके लिए दो मरतबा सिफारिश करूँगा, डबल सिफारिश। किसी का काम नहीं होता, जॉब अगर डबल कोई करे अहम आदमी, पक्का हो जाता उसका, इस माने में, वरना अल्लाह के नबी एक बार भी करें तो हो जाएगी ना। लेकिन एक्स्ट्रा कहा गया, शौक जज्बा दिलाया गया कि दो मरतबा करूँगा उसके लिए। लेकिन इस सवाब को पाने के लिए बाज नादान कितने वाकियात, अल्लाह की पनाह। मदीने में मरने की ख्वाहिश, लेकिन मौत नहीं आ रही, आखिरी डेट है आज, कितने लोगों ने क्या किया, खुदकुशी कर ली, रोड पे गए मर गए, या कुछ फांसी, अजीब अजीब वाकियात। क्या समझते हैं, मर गया तो सवाब मिलेगा? खुदकुशी मदीने में करेंगे, इंडिया में करेंगे तो उतना गुना नहीं, वहाँ करें डबल, जितना चाहे अल्लाह मजीद बढ़ा के सजा देगा। अल्लाह अकबर। फितरी मौत मुराद है, फितरी मौत खुद अल्लाह की तरफ से आए, हम खुद जो हैं वो दवाई खाकर फलां करके, जैसे मैंने मिसाल दी, खुद से नहीं मरना है, खुदकुशी नहीं। माशाल्लाह हमने ऐसे हाजियों के बारे में सुना, देखा भी, इंडिया के कई ऐसे खवातीन मर्द जिनकी ख्वाहिश भी थी, दुआएं करते थे, अल्लाह ने मौत फितरी मौत दी। ये खातून के बारे में जानता हूँ, आखिरी वक्त था उनका आने का इंडिया, उसी थोड़े लम्हात पहले उनका इंतकाल, उनकी दुआएं थी, ये फितरी मौत, अपनी तरफ से नहीं, खुदकुशी नहीं, अल्लाह की बना। ज़ियारत कबूर की दुआ, जब भी हम कब्रस्तान, बकी कब्रस्तान है, कोई भी कब्रस्तान के लिए जो दुआएं साबित हैं, उसमें एक दुआ, अस्सलाम अलैकुम दार कौमी मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली अहलिल बकील गरखद। खासतौर से अल्लाह के नबी जब वहाँ जाते तो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनके लिए, बकील गरखद जाते तो वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। मैदान उहद, यहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी 3 हिजरे में, उहद आप तफसील से सुने सीरत की किताबों में, उसका ये मैदान है, जहाँ ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो 70 सहाबा जो शहीद हुए थे, जिसमें सैयदुश्शहदा अल्लाह के नबी के चचा हमजा रदी अल्लाह अन्हु की खबर इसी में। मस्जिद कुबा की जियारत, एक मस्जिद अल्लाह के नबी जब मदीना पहुँचे थे, सबसे पहली मस्जिद जो बनाई आपने कुबा की मस्जिद, मस्जिद कुबा, उसकी फजीलत, जो शख्स घर से बावजू होकर मस्जिद कुबा 2 रकात नमाज अदा करें, उसको उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। उम्रा आपने किया, फिर मदीना गए, जहां आपकी बिल्डिंग है वहां से वजू करके आप कुबा पहुंचे, 2 रकात नफिल पढ़ेंगे तो फिर एक उम्रे का सवाब। रोज़ाना 2-3 मरतबे जाके आप करें, सवाब मिलेगा। लेकिन शेख ने इशारा किया, जो लोग मक्का जाते हैं एक सफ़र में बार बार उम्रा, वो भी कहाँ से, तनईम से, जायज़ नहीं, सही नहीं। एक सफ़र में अगर आप मीकात भी जाएं तो उलमा ने इख्तलाफ़ किया है, बहरहाल वो अलग बात है, लेकिन सवाब कमाना है, सवाब हासिल करना है तो खुबा जाएं बार बार, दिन में 2-3 मरतबा भी, चाहे गाड़ी पे जाएं, चल के जाएं, अल्लाह के नबी की सुन्नत थी, हर हफ्ता अल्लाह के नबी जाते थे। जी जी, तकरीबन एक 5-6 किलोमीटर है तकरीबन, हाँ, अब मदीने में दाखिल है ये, अंदर पहले बाहर था ये हिस्सा। अब तक जो बातें मैंने बताई वो एक ही चार्ट में जो है यहाँ बताई गई, अब तक जो बातें जिसका जिक्र हुआ मदीने के ताल्लुक से, उसको एक ही चार्ट में इस तरह जो है पेश किया गया। सफर हज से वापसी पर दावत का अहतमाम मसनून है, आजकल जाने से पहले ज़्यादा अहतमाम,
जाने से पहले ठीक है आप इतला दें किसी को, कोई हक था, कर्ज बाकी था, वापस कर दें, सिर्फ तारीफ के लिए कि हर एक मेरी तारीफ करें। हाँ, रियाकारी दिखावा नहीं होना चाहिए, इस मकसद से दावतें नहीं, आने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, और आने के बाद सब रिश्तेदारों को ख़ास तौर से, करीबी लोगों को ख्वाहिश रहती है मेरे फलां आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं, एक दावत का अहतमाम करें इंसान, कुछ खिलाए पिलाए, फिर जमजम खजूर या जो भी इस्तेदात अल्लाह ने ताकत दी हो, गिफ्ट वगैरह दे दें, उसके लिए एक दावत का अहतमाम करना। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब आप सफ़र से वापस आते शुक्राने के और ख़ुशी के तौर पर, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और ख़ुशी के तौर पर ऊँट या गायें ज़बह करते। लिहाजा हुज्जाज किराम को चाहिए कि इस मुकद्दस सफ़र के आगाज़ में दावतें करने खाने के बजाय, जाने से पहले नहीं, सफ़र से आने के बाद, अल्लाह के नबी की आदत है, कह रहे हैं वापसी पर दावत का अहतमाम करें, यही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी में मौजूद हैं, आने के बाद सफ़र से अल्लाह के नबी दावत का ख़ास अहतमाम करते थे, करना चाहिए, पहले नहीं। अगर कोई ऐसे ही कर दे मुलाकात के लिए जाए या बुला ले तो अच्छी बात है, लेकिन सुन्नत समझना नहीं। देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो तफसीली गुफ्तगु थी हज से मुतालिक, उम्रे से मुतालिक, माशाल्लाह खिताब की शक्ल में भी उलमा ने बयान की और ये प्रेजेंटेशन के तौर पर भी आपको, ताकि जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। आज जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए, ये तरीक़ा आपने भी देखा पहली मरतबा, जिन्होंने देखा शायद उनके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। हमने ये प्रोग्राम कई जगह पर किया, दूसरे गाँवों में माशाल्लाह लोगों ने, क्योंकि 10 बार 20 बार भी आप किताब पढ़ें, एक मरतबा देखें शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जो बारीकियां थी प्रेजेंटेशन में। मैं समझता हूँ तकरीबन माशाल्लाह इससे पहले भी क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन था, माशाल्लाह कई सवालात के जवाबात उलमा ने दिए हैं। आप एक सवाल कर रहे थे, अगर वो हल हो गया है तो कोई बात नहीं। जी अच्छा, नहीं भाई आम हालत में जो है पाबंदी, पूरा चेहरा है ना, पूरा चेहरा, बाल नज़र नहीं आना चाहिए, बाल नज़र नहीं आना चाहिए। औरतों को चाहिए कि नोज पीस जो बांधते आम हालत में, मुकम्मल चेहरा भी नज़र नहीं आना, सिर्फ आँखें बस, तो वहाँ पर जो खुला रखेंगे वो भी कब जायज़ है, जब गैर महरिम ना हो सामने, वरना आज वैसी कैफियत नहीं आती, वहाँ कोई हालत नहीं बता सकते आप, हर जगह भीड़, अजनबी हैं, तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा या ओढ़नी रख लें जिससे वो छुपाएं। नहीं नहीं ऐसी बात, जो पाबंदियां थी बताया मैं आपको, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जी नहीं, खास तो जिसकी दाढ़ी है, हत्ता कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ये भी मरवी है एक रिवायत कि नहाने में एहतियात करना चाहिए, सर के बाल ज़्यादा लगड़ना से मना किया, क्योंकि बाल निकालना मना है। दाढ़ी को बाज लोग बार बार नमाज में भी करते हैं, वहाँ भी जानबूझ के ना करें, अगर अनजाने में निकल गया कोई मसला, जानबूझ के निकाल रहे हैं बैठ के या नहाते वक्त ज़्यादा लगड़ना नहीं चाहिए, इमाम मालिक उससे मना करते थे, गुसल करने से मना करते थे, इसलिए एहतियात का तकाजा। जी हाँ, खिलाल साबित है, सुन्नत है, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मरवी है, अल्लाह के नबी खिलाल जो घनी दाढ़ी होती है लंबी, अब पानी नहीं पहुंचता, खिलाल करना, इस तरह आप उंगलियों से जो है उसमें खिलाल करें, वही आपके नियत तो नहीं है कि जानबूझ के दो दौल या झड़ें, दो बार फलां झड़ें, एक महीने में इतने झड़ जाएं पूरी ही दाढ़ी, ऐसे ही सा नियत का फ़र्क होता है, जानबूझ के आप महसूस करते हैं कब आप जानबूझ के, आमतौर से लोग नहीं करते, जैसे नमाज में बोला बाज लोग आदत बना लेते हैं, उनको भी एहसास नहीं होता कब करते हैं, आमतौर से कोई फिक्र लाहिक होती है ना, नमाज में वसवसे ख्यालात आते हैं तब यह हाथ यहाँ पहुँचता है, वरना दिल हाजिर है कहीं हाथ नहीं उठेंगे। जी हाँ, नहा सकते हैं, जैसे जिक्र आया था नहा सकते हैं इंशाल्लाह, दूसरा बदल भी सकते हैं अहराम, चादरें अगर गंदी हो गई आप फ्रेश होना चाहते हैं कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी जी, जहाँ साबित है, मैंने कहा था जहाँ साबित, तशहुद में साबित, या अय्युन नबी साबित है, अत्तहियात हमें ऐसे ही सिखाया गया, और यहाँ भी इजाज़त है
सहाबा ने अमल किया, जहां साबित है वहां या लगाएंगे आप, खबर के पास और तशहुद में जहां साबित है। जी हाँ, नहा भी सकते हैं आप, कपड़े बदल सकते हैं, दूसरे चादरें, चेहरा धो सकते हैं। जी हाँ, पोछ सकते हैं। उलमा ने कहा एहतियात का तकाजा यही है कि ना करें, बस साबुन आज शैम्पू बहुत ज़्यादा खुशबू है, उसमें एहतियात का तकाजा यही कि ना करें। कहीं से भी कोई क़ैद नहीं, कोई क़ैद नहीं है। सहूलत के एतबार से जैसा शेख ने इशारा किया, शेख साबिर हफिज़ाहुल्लाह ने, मुज़दलिफ़ा में जहाँ मशर हराम मस्जिद है, जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ कुछ कंकर ज़्यादा मिलते हैं, तो जहाँ आसानी है ले लें, जहाँ आसानी है आपके लिए ले लें। जी और कोई सवाल? हाँ जी, नमाज के लिए ज़रूरी है, बीच में अगर रोक दिए थे नमाज पढ़ना है तो आप ये ढांक लेंगे, फिर तवाफ जब करेंगे नमाज के बाद निकाल दें। क्या जी? हाँ जी, पूरे सात चक्कर में खुला रहे। हाँ सही के लिए पूरा क्लोज कर। जी क्या जी? ये दुआएं हैं मस्जिद के, तहारत नमाज की दुआएं। जी मैं आखिरी सवाल। हाँ, एहराम बांधने से पहले, नियत करने से पहले, उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हैं, कहते हैं कुन तो उतय्यिबु रसूल अल्लाह सल्लम लिहिल्लिही व लिहरमिही। कहते हैं एहराम बांधने से पहले, फिर एहराम जब अल्लाह के नबी पूरा मुकम्मल उम्रा करने से फारिग हो गए या हज, तो उस वक्त भी मैंने अल्लाह के नबी को खुशबू लगाई। हाँ ज़रूरत है, गर्मी ज़्यादा है, आपको बेचैनी या इहतलाम हो गया। जी नफली, जो नफली गुसल हैं या वाजिबी गुसल कर सकते हैं। नहीं नहीं, उस दौरान नहीं, एहराम जब पहन लिए, जब तक पाबंदी है उम्रे से, जब तक फारिग नहीं होंगे, गुसल की इजाज़त है, खुशबू की नहीं। जो चीज़ें मना थी ना, वो जब तक आप मुकम्मल नहीं करते इबादत, तब तक पाबंदी ज़रूरी है। बस ठीक है इंशाल्लाह। जी जैसे कहा गया, मसाइल बहुत हैं, सवालात इंशाल्लाह, शेख यहीं रहेंगे इसी मस्जिद में, शेख अमीन का नंबर भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो मस्जिद के जो कमेटी की तरफ से हम तमाम का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह का सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरा, अल्लाह का शुक्र। शेख मस्जिद जो है शायद हदीत शुक्र पेश करेंगे। बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मैं तमाम का मेरी तरफ से शुक्र अदा करता हूँ, तमाम का, ज़िम्मेदारान का, उलमाए किराम का, बेंगलुरु दुरुस के अहबाब का, आप तमाम मुशारिकीन मुशारिकात का, सब के लिए दुआ है अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल फ़रमाएँ, हमारे आमाल कबूल फ़रमाएँ, ये सफ़र हज आसान फ़रमाएँ, जो कर चुके हैं अल्लाह कबूल फ़रमाए, जो जा रहे हैं उनके लिए आसान फ़रमाएँ, और जो उम्मीद किए इरादा किए अल्लाह उनके लिए आसान फ़रमाएँ, बार बार हज उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाएँ। कफ़ारे मजलिस पढ़ते हुए जाएँ, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।